ई गवर्नेंस को आपने क्या किया, इसकी एक डिफिनेशन क्रिएट कर दी। अगर एक लिमिट फॉर्म में बात किया जाए तो अब इतना टाइम तो नहीं रहता कि हमेशा आप फ्रेमिंग करेंगे, जैसे रास्ता खड़ा हो कि गाड़ी खड़ी गड़ करके थोड़ी पूछते रहेंगे, एरो देख देख के भी चलते रहेंगे। तो आपने ई गवर्नेंस को क्या किया, डिफाइन किया। और हमने बताया दैट इज ऑनलाइन सर्विस, है ना। और मान लो जो पहली की दो तीन लाइनें हैं आपने लिख दिया, तो हार्डली हार्डली इसको 20 to 25 वर्ड्स में आपने इसको बता दिया। 20 वर्ड्स इज बेस्ट। उसके बाद कहता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का आज आज की तारीख में आप देखेंगे कि हम कहते हैं डिजिटलाइज हो गई इंडिया, डिजिटल इंडिया। 2006 में जब ई गवर्नेंस मूवमेंट आया, है ना, इसके पहले 1991 में जब एलपीजी आया, उसके बाद जैसे जैसे हम डेवलप इकोनॉमिकली डेवलप करते गए, हम कहीं ना कहीं इंटरनेट, ईमेल, इन तमाम चीजों से कनेक्ट होते गए। और आफ्टर ऑल 2006 में ई गवर्नेंस मूवमेंट, और धीरे धीरे एक दशक नहीं बीता कि आप डिजिटल इंडिया की ओर चले गए। तो व्हाट इज ए डिजिटल इंडिया, थोड़ा सा इसके करेक्टर में डिफाइन किया, 20 शब्दों में इसको भी बता दिया। अब ई गवर्नेंस की जो डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी है, जैसे मोदी साहब किसानों को 2000 रुपया उनके अकाउंट में भेज देते हैं, ई गवर्नेंस ही तो है, ठीक है। हाँ, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का, ना ठन्नी इधर जाएगा ना चवन्नी उधर जाएगा, इसमें पारदर्शिता और हाँ अकाउंटेबिलिटी भी बनी। नहीं दिए तो भी अकाउंटेबिलिटी है, और आपने बेईमानी किया तो भी अकाउंटेबिलिटी है, यानी पारदर्शिता उसमें बरकरार। ई गवर्नेंस ही है पारदर्शिता, और उसका पूरा सिस्टम में ही है। और आप देखेंगे तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता पे हेडिंग के साथ आपको बहुत कुछ लिखाया गया है, क्योंकि इसमें हमने बताया होगा कि ऑनलाइन सर्विस है, ट्रांसपेरेंट है, खुला है, सब कुछ देख सकता है। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन से भी जाके देखें, जो 2005 में आपको झांकने का अधिकार मिला। अरे झांकने का अधिकार तो 2005 में आया, तब तो जाके आप फाइल में झांकते थे, अब तो वेबसाइट से झांक लीजिए। अब तो सचिवालय में पास नहीं बनवाना, सचिव के पास नहीं जाना, अधिकारी के पास नहीं जाना, घर बैठ के झांको, क्या हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी, और ट्रांसपेरेंसी ने क्या बढ़ा दिया, अकाउंटेबिलिटी को। तो ई गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी होना, और इससे फायदा क्या हुआ, अब सर्विस कैसी हो गई, इंटरेक्टिव सर्विस हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि आप गेदर टूगेदर, आज भी आपको कोई काम करना है, कुछ भी करना, आप ऑनलाइन कर दीजिए, इंटरेक्टिव सर्विस। आपसे सरकार या प्रशासन इंटरेक्ट तो कर ही रहा है, और वो कह रहा है उसका मूल्यांकन कर दीजिए। ई सर्विस की बात कीजिए, ई व्यवस्था की बात कीजिए, स्कॉलरशिप की बात कीजिए, न्यायालय की बात कीजिए, कोई दवाई देनी हो, मेडिसिन की, टेली मेडिसिन, व्हाट एवर, कुछ भी, हाँ सब कुछ ई एजुकेशन। ये बच्चे बैठ के बाहर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, यही पूछ रहा था। अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इसको तीन सेक्शन में अगर डिवाइड करते हैं, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी, हिंदी में समझा रहा हूं, अंग्रेजी में तो पढ़ ही लिया हूं, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक मतलब दैनिक से, रूटीन से, कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। एक तो इसको बताओ, और दोनों को बता करके थोड़ा सा समझाया, है ना। अब ये केवल रूटीन कार्य ही नहीं करता है, उससे आगे है। आपने अगर इसको पूरा समझाने में 75+ वर्ड ले लिया, मान लिया पहला सेक्शन,
दूसरा कहता है इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के विविध प्रकार के अंतक्रियाएं भी है, अंतरक्रियाएं एक प्रकार से इनमें यह काम ही है पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बड़ा कर देने का, और इसके टूल्स एंड मैकेनिज्म में ये चलते ही रहते हैं। आपने इसको डिफाइन कर दिया 75 वर्ड में, और फिर कहता है कि ई गवर्नेंस के इंटरेक्टिव मॉडल का मूल्यांकन कीजिए, जो इसका इंटरेक्शन है सर्विस होल्डर के साथ एज एडमिनिस्ट्रेटर और एक पब्लिक है, इसके बीच में क्या चल रहा है, हमारे आपके बीच में क्या है, इंटरेक्टिव मॉडल ही तो है। कुछ लोग घर बैठे हैं, हम ऑनलाइन इंटरेक्टिव मॉडल ही तो है ये, इसका मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन क्या करके निकला मालूम है, क्या करके निकला कि जो घर पे पढ़ते हैं उनको ट्रैफिक से नहीं उलझना है, जो घर पे पढ़ते हैं उनको उनको टाइम नहीं कंज्यूम ज्यादा होना है, उनको कपड़े प्रेस नहीं करने हैं उनको, हाँ ये इकोनॉमी है, ये सस्ता है, इफिशियंट है, गोल ओरिएंटेड है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, ओपन है, सेंसिटिव है, बहुत कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है, फिर आपको ये भी बताना है बट ये टूल्स है, मैकेनिज्म है, ये मशीनरी है, एक सिस्टम है, इसमें पावर सप्लाई है, इंटरनेट कनेक्शन है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक प्रकार से यह कहीं ना कहीं खर्चीला भी है इस ढंग से, यही तो मूल्यांकन करेंगे आप। तो आपने इसको मूल्यांकन करने में 75 शब्द ले लिया, चलो यहां भी 225 हो गया, 15-20 शब्दों का इवेल्युएशन, एक कंक्लूजन दे देना, इसमें कंक्लूजन की गुंजाइश है, हो गया तुम्हारा उत्तर। क्यों हो गया आईएएस इसी चक्कर में, ऐसे तो होता है सवाल।